जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो जवाना उसी का होता है जिसका जवाने में सिक्का चलता है। तो अब ये बात क्यों मैंने कही, जवाना जब रुपए तक आ गया है तो सिक्के की बात हो क्यों रही है। तो आज इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं BBMKU में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक वन डे लेक्चर का आयोजन किया गया क्वाइनेज सिस्टम पर। और क्वाइनेज सिस्टम पर इस वन डे लेक्चर में काफ़ी कुछ हुआ है, वो सब आप देख पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो गेस्ट स्पीकर आए हैं उनसे बात करना बनता है कि आखिर इस तरीके का जो लेक्चर है वो क्यों ज़रूरी है। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर, आपका परिचय जानना चाहूँगी पहले तो। मेरा नाम अमरेंद्र आनंद है जी। बेसिकली तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ जी, लेकिन मेरी स्कूलिंग भी धनबाद में हुई है। मेरी नौकरी, मैं LIC में डेवलपमेंट अफसर था और आज से 8 साल पहले मैं डेवलपमेंट अफसर के रूप में रिटायर कर गया। और ये मेरा शौक़ है जी। ये शौक़ शुरुआत में सिक्कों का था, बाद में डाक टिकटों पे आया और आज की तारीख में आनंद हेरिटेज गैलरी के नाम से एक संग्रहालय है जी। और ये संग्रहालय पूरा का पूरा डिजिटल है और ऐसा डिजिटल है कि आपको कोई भी सिक्के की जानकारी चाहिए, डाक टिकट की जानकारी चाहिए, मेडल्स की जानकारी चाहिए, टोकन की जानकारी चाहिए, बैंकिंग सिस्टम हो, इंश्योरेंस सिस्टम हो, मॉनेटरी सिस्टम हो, आपको वहाँ मिल सकता है जी। और ये पूरा का पूरा डिजिटल है जिसे आप देख सकते हैं। सर, अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे, मतलब गूगल पर जाकर सर्च करके? हाँ, देख सकते हैं। गूगल पे आनंद हेरिटेज गैलरी .com पे जाने से जी मीनू मिलेगा जी। मीनू में डिफरेंट सेक्शन मिलेंगे जी, न्यूमिस्मेटिक सेक्शन मिलेंगे, बैंकिंग सेक्शन मिलेगा, इंश्योरेंस सेक्शन मिलेगा, बैजेस सेक्शन मिलेंगे और सारे सेक्शन में मेरे संग्रहालय में जितने भी संग्रह हैं जी वो सारे के सारे वहाँ आपको डिजिटल फॉर्म में मिल जाएंगे। और ये धनबाद में है। अगर कोई आदमी व्यक्तिगत तौर पर इसे देखना चाहता है जी तो मेरा फ़ोन नंबर है 9431375216 9431375216 इस नंबर पे मेरे से बात करके कोई भी आदमी किसी भी दिन वो आ सकता है। यहाँ कोई एंट्री फी नहीं है। मैं उन्हें समय दूंगा ताकि उन्हें भारतीय इतिहास के धरोहर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिले जी। और आज संयोग से BBMK यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री विभाग में विभाग ने और यहाँ के वाइस चांसलर ने मुझे आग्रह करके बुलाया और मुझे भी अच्छा लगा चूँकि किसी भी कॉलेज में इस प्रकार का व्याख्यान देने का ये मेरी लाइफ का पहला अनुभव है जी। और चूँकि मैं बहुत जगह व्याख्यान दे चुका हूँ, हमारा तो ये शौक़ है जी, जुनून है। बल्कि आपको मैं बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होगी कि मेरे को झारखंड लेवल पे गोल्ड मेडल तक मिल चुका है और अखिल भारतीय लेवल पे अभी हाल में जनवरी महीने में अमृत पैक्स हुआ था जो बहुत बड़ा महाकुंभ था जी। मैंने वहाँ भी पार्टिसिपेट किया था और वहाँ भी मेडल पाया जी। और अभी बिहार में एक बिहार संग्रहालय बना है जो संभवतः एशिया का, जितना मेरे को जानकारी है, इससे बेहतर संग्रहालय एशिया में कहीं नहीं है। इतना सुंदर संग्रहालय है जी। और उन लोगों ने भी मेरे संग्रह का 7 दिन का एक प्रोग्राम रखा था जिसका नाम था कौड़ी टू क्रेडिट का, जो मेरे संग्रह का थीम है जी। और वहाँ भी मैंने 7 दिन का प्रोग्राम किया था और आज यहाँ BBMK इस यूनिवर्सिटी में मैं अपने आप को खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे यूनिवर्सिटी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ अपने विचार रख पाऊँ जी। सर, बच्चों का उत्साह कैसा लगा? बहुत अच्छा। बच्चे तो देखिए, सिक्का एक ऐसी चीज़ है ना, हर कोई जानना चाहता है, बड़ा विचित्र हाल है जी। सिक्के के बारे में मेरा अपना एक सोच है जी कि किसी भी मनुष्य को 5 सेंस होता है और सिक्का 6th sense है। अरे वाह। अगर ये 6th sense उसके पास नहीं है तो 5th sense बेकार है जी। जी जी सर, एक चीज़ और, सिक्के की तरफ आपका रुझान कैसे बढ़ा कि मतलब संग्रहालय उसका बनाना है या संग्रहण करना? ये तो बचपन से था और ये मेरी 3री पीढ़ी है। अच्छा। मेरे पापा को भी थोड़ा बहुत शौक था जी। उसके बाद मेरा एक बेटा है जी। है तो बहुत बड़ी, वो नौकरी में है चूँकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद, लेकिन आता रहता है और उसको संग्रह का शौक है जी। हम जब कभी कहीं प्रदर्शनी लगाते हैं तो प्रायः वो रहता भी है जी। मैंने विदेश में भी अपनी प्रदर्शनी लगाई है, मैंने ऑस्ट्रेलिया में अपनी प्रदर्शनी लगाई है,
इस तरह करके बहुत जगह आने जाने का मौका लगा, लेकिन यूनिवर्सिटी में ये मेरा पहली बार है, ये पहला बार है। अच्छा लगा प्रोफेसरों के बीच में बैठ के, चूँकि पढ़ाई लिखाई से मेरे को शुरू से कम वास्ता रहा है। सर एक बात और जानना चाहूँगी, जमाना बदल गया है, एक समय केवल सिक्के चला करते थे, आज एक तो करेंसी नोट्स आ गई, फिर उसके बाद अब टोकन करेंसी क्रिप्टो करेंसी भी है, और साथ ही साथ वैलिड सिस्टम फोन पे टाइप, उन्होंने सिक्कों की ज़रूरत को लोगों को मतलब थोड़ा सा लोगों को अब कम जरूरत महसूस होती है। वैसे में भारत में आप सिक्कों के भविष्य को कैसे देख पाते हैं? देखिए अभी क्या था, जैसे हम लोग जो संग्राहक होते हैं जी सिक्के के या नोट के, ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते जी हैं। जो लोग डीप संग्राहक हैं वो लोग मिंट वाइज सिक्का संग्रह करते हैं। अच्छा। जैसे भारत में 4 मिंट है जी जहाँ से सिक्के ढाले जाते हैं, कोई सीरियस जो संग्राहक होता है वो 4 मिनट का एक एक सिक्का, चाहे वो 1 रुपये का हो चाहे वो 10 रुपये का हो, करता है जी। पहले क्या होता था कि सिक्के बहुतायत मात्रा में बनती थी, उसके चलते उसको चलते फिरते हाथ में मिल जाता था जी। लेकिन आजकल सिक्के का ढलना बहुत कम गया है। टोटल जितने सिक्के 2017 में ढाले गए थे उसका 20% सिक्का ढाला गया 2023 में। तो नेचुरली जब सिक्का 20% डाला गया तो सर्कुलेशन कम जाएगा, तो थोड़ा कठिनाई भी होगी जी। सेम स्थिति नोट की है जी। भारत में 2017 में जितने नोट छपे थे अभी जो है जी मात्र 15% नोट छपा इस साल टोटल जी। और कुछ नोट ऐसे हैं जैसे 10 रुपये की नोट, 10 रुपये के नोट जितना 2017 में छापा गया था जी उसका मात्र 5% नोट जो है वो 2023 में छापा गया। तो निश्चित रूप से जो लोग संग्रह करता हैं उनके लिए उपलब्धता घट गई जी। 10 रुपये का नोट 20 रुपये में खरीदना पड़ेगा, 25 रुपये में खरीदना पड़ेगा, चूँकि वो नोट आपको सर्कुलेशन में मिलेगा नहीं चूँकि वो छपा ही कम है जी। फिर भी लोग संग्रह करते हैं जी। और शौक़ के बारे में मेरा एक विशेष लोगों से आग्रह है जी, बच्चों से बूढ़ों से सबसे, कोई भी शौक़ पालिए, अगर आप कुछ खास करते हैं तो आप नाम कमाएंगे। हाँ ऐसा नहीं है, अरे भाई कोई आदमी तबला बजा के भारत रत्न पा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल जी जी हाँ? जी सर। तो कोई आदमी सिक्का संग्रह करके भी पा सकता है जी, कोई आदमी वायलिन बजा के, कोई आदमी जग प्रसिद्ध हो सकता है, माइकल जैक्सन जो है डांस करके सक्सेसफुल हो सकता है, तो वो भी एक माध्यम है अपने आप की प्रस्तुति का जी। तो मतलब रुचि में अपना जो है इफर्ट लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। और मेरा संग्रह केवल सिक्कों पर नहीं है। अच्छा। ये पूरी की पूरी गैलरी है, पूरी की पूरी म्यूजियम है। ओके। मैं धनबाद के कुसुम विहार में रहता हूँ जो स्टील गेट के पास है जी। वहाँ मेरे घर में मेरा एक संग्रहालय है। ओके। कोई भी आदमी अपनी इच्छा अनुसार वहाँ आता है और आते भी हैं लोग जी। बहुत सारे हिस्ट्री के लोग, बहुत सारे जो रिसर्च करने वाले लोग मेरे से मिलते जुलते रहते हैं जी। और मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में बार बार जाता भी रहता हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो सर से बात हुई हमारी और सिक्कों के बारे में, साथ ही साथ संग्रहण करने की जो तकनीक होती है या संग्रहण करने के पीछे की जो वजह होती है उन सब पर काफ़ी बातें हमने सुनी। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ने एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, तो अब उनसे बात करते हैं और जानते हैं इसके पीछे की कहानी। तो हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की HOD हैं डॉक्टर तनुजा मैम, आइए जानते हैं उनसे कार्यक्रम के बारे में। मैम आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम जो था वो 1 डे लेक्चर सीरीज था, जिसमें कि अमरेंद्र आनंद जो है वो मुख्य वक्ता रहे। इसके जो टॉपिक था व्याख्यान का वो हिस्ट्री ऑफ कॉइनेज इन इंडिया था, जिसमें कि छात्रों को ये बताने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार से इंडिया में जो कॉइनेज है या मुद्रा प्रणाली जो है वो किस प्रकार से विकसित हुआ और आज के समय तक विकसित हो करके किस रूप में हमारे समक्ष आया है, इसके बारे में छात्रों को जानकारी देना इस लेक्चर सीरीज का मुख्य उद्देश्य रहा था। मैम एक चीज़ और, ऐसे कार्यक्रम की ज़रूरत हिस्ट्री डिपार्टमेंट में क्यों पड़ती है? हिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है एक्चुअली अगर हम लोग बात करें इतिहास के बारे में, जैसे कहा जाता है कि ये कहानी है, पर अगर सच कहा जाए या माना जाए कि इतिहास है क्या, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये धरोहर की तरह है जो कि एक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके बैकबोन की तरह काम करता है। इतिहास जो है सिर्फ पुराने समय के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, जो हमारा अर्थव्यवस्था रहा था या जो हमारा सामाजिक स्थिति रहा था उसके बारे में भी हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं और बात करते हैं। अब जब हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो कॉइन्स है या मुद्रा जो है इसका मुख्य हम लोग कह सकते हैं कि योगदान होता है, और छात्रों को ये बताना कि किस प्रकार से मुद्रा का महत्व है इतिहास में,
इसके लिए ही इस जो है व्याख्यान का आयोजन किया गया था। तो क्वाइनिस पर लेक्चर का आयोजन हुआ और आपने सुना वजह क्या रही पीछे की। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है तो ये ज़रूरी भी है कि भारत के इतिहास से स्टूडेंट परिचित हों, और पर्टिकुलरली क्वाइनिस के इतिहास पर आज फोकस रहा। और साथ ही साथ जो गेस्ट स्पीकर हैं उनकी बातें भी आपने सुनी। खैर, धनबाद की तमाम अपडेट्स लेकर आएंगे हम आपके सामने। आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।